गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू अन अकेडमी नीट आज है बच्चों डे फोर एपिसोड फोर ऑफ योर फेवरेट चक दे सीरीज जिसमें हम अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वी आर ऑलमोस्ट ऑन द लास्ट लेक ऑफ रिवाइजिंग क्लास ट्वेल्थ क्लास ट्वेल्थ हमारी खत्म होने वाली है है ना हमने कल डिस्कस कर लिया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज एंड टूडे इज़ द टर्न ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट यूनिट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जिसमें आपके प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस भी आ जाते हैं एंड देन कम्स योर एप्लीकेशन एज वेल

अब सबके पास टेलीग्राम है नहीं है तो ऐप डाउनलोड करिए टेलीग्राम की डाउनलोड करने के बाद बच्चे जाइएगा इस लिंक पर दैट इज लाइव डेली डॉट मी स्लैश चैट वेन यू विल गो टू दिस लिंक तो आपके सामने चैनल आएगा अन अकेडमी नीट का चैनल इस चैनल को ज्वाइन कर लेना बिकॉज ऑल द इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन रिलेटेड टू द सेशन जो भी सेशन हो रहे हैं सारी नोटिफिकेशन आपको कहाँ पर मिलती है इस टेलीग्राम चैनल पर सो so दैट आपका एक भी सेशन बच्चों मिस ना हो साथ ही में यू कैन एक्सेस ऑल द प्रीवियस वीडियोज यू कैन एक्सेस ऑल द प्रीवियस पी जो हम सेशन ले चुके हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप किसी से की भी सेल्फ स्टडी करना चाहते हो देन यू सिंपली हैव टू गो टू लाइव डेली डॉट मी स्लैश नीड ये बेस्ट है 2020 वाले बच्चों के लिए जो टॉपिक्स ढूंढ रहे हैं जो उनके टॉपिक्स वीक चल रहे हैं सो दे कैन ईजीली सर्च देअर टॉपिक्स बाय गोइंग ऑन दिस लिंक इलेवेंथ ट्वेल्थ सबके टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको सारे सब्जेक्ट्स के अब बात कर लेते हैं अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन की सब्सक्रिप्शन क्या है सब्सक्रिप्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सारा सिलेबस एंड टू एंड कंप्लीट होता है फर्स्ट चैप्टर से लेकर एंड चैप्टर तक लाइव क्लासेस के द्वारा जिन क्लासेस में बच्चे आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो डाउट पूछ सकते हो इंटरैक्ट कर सकते हो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो अब इस सब्सक्रिप्शन पर इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं प्लस एजुकेटर्स हैं नाउ इट इज रियली गुड कि आपको अपने घर के कम्फर्ट में बैठ कर, इन सारे एजुके टर से पढ़ने का मौका मिल रहा है सारे मैंने क्यों बोला बिकॉज वंस यू टेक द सब्सक्रिप्शन सिंगल सब्सक्रिप्शन देन ऑल द प्लस कोर्सेज विच आर गोइंग ऑन एट दैट टाइम जितने भी कोर्सेज चल रहे होंगे ऑल द कोर्सेज दे विल बिकम ओपन टू यू हमने भी पिछले ही हफ्ते इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों का कोर्स लॉन्च किया है सो बच्चे अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं शुरू करिए ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू स्टूडेंट देन यू नीड नॉट टू वरी सब्सक्रिप्शन पर टाइम टू टाइम कोर्सेज स्टार्ट होते रहते हैं हमने भी लास्ट वीक फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट किया है फॉर इलेवेंथ एज वेल एज ट्वेल्थ राइट right? तो कैसे लेना है सब्सक्रिप्शन आपको बच्चे डाउनलोड करना है अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद जाइएगा प्लस सेक्शन में प्लस में आएगा नीट यू जी नीट यूजी में क्लिक करिएगा गेट सब्सक्रिप्शन वेन यू विल क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन तो आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज आएंगे विच कोर्स विल बी बेनिफिशियल मतलब ऐसा कौन सा कोर्स है जो आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी हो साथ ही में आप उसमें सारा सिलेबस भी अच्छे से कवर कर पाए दैट इज गोइंग टू बी वन ईयर एज वेल एज टू ईयर कोर्स टू ईयर किसके लिए जो बच्चे क्लास इलेवेंथ में पढ़ते हैं या फिर जो बच्चे टेंथ और नाइन्थ वाले भी देख रहे हैं ये स्टूडेंट्स द अर्ली यू स्टार्ट द बेटर चांसेस यू हैव ऑफ गेटिंग गुड रैंक ठीक है और जो बच्चे क्लास ट्वेल्थ में हैं दे कैन गो फॉर दिस वन ईयर कोर्स और ड्रॉपर्स भी बच्चे वन ईयर ले सकते हैं सबसे कम कॉस्ट भी आपको इन सारे कोर्सेज में से किसकी मिलेगी टू ईयर एज वेल एज वन ईयर ये कॉस्ट और ज़्यादा कम हो सकती है इफ़ यू विल यूज़ दिस कोड सीप लाइव सिंपल सा कोड है मैम का मैम का नाम लगाना है और आगे लिखना है लाइव क्योंकि ये लाइव प्लेटफॉर्म है क्या फ़ायदा होगा यू आर गोइंग टू गेट टेन परसेंट एक्स्ट्रा ऑफ ऑन द टोटल अमाउंट टेन परसेंट एडिशनल ऑफ ऑन द टोटल अमाउंट बाई अप्लाइंग दिस कोड एंड दिस इज आवर स्केड जो बच्चे आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं फटाफट से ले लीजिए स्क्रीन शॉट यू हैव टू टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस वेट अ सेकेंड ये मैंने आपके सामने खोल दिया है वी हैव गॉट वीक वन वीक टू वीक थ्री एंड वी आर करंटली रनिंग इन वीक वन कमॉन कमॉन ले लीजिए स्क्रीन शॉट वीक वन में बच्चे ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज डन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज डन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस इज डन बायोटेक्नोलॉजी वुड बी डन टुडे वन चैप्टर आई मिसड सो आई एम एडिंग दैट चैप्टर हेयर मैं नया एडिशन कर रही हूँ इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि हमने कल डिस्कस करना है इसके साथ ही एक ट्वेल्थ का चैप्टर भी डिस्कस करेंगे दैट इज़ एवोल्यूशन कौन सा एवोल्यूशन सो so, कल के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम वॉज अ स्मॉल चैप्टर इजी चैप्टर तो मैंने एक पेंडिंग चैप्टर ट्वेल्थ का भी डाल दिया है दैट इज एवोल्यूशन सो एवरी वन शुड रिमेंबर दैट टूमोरो देयर इज गोइंग टू बी टेस्ट ऑफ टू चैप्टर्स राइट इसके बाद बच्चे वीक टू में हमारा आ जाएगा क्लास इलेवेंथ का मेजरली वीक थ्री में फ्यू ऑफ क्लास इलेवेंथ एंड मॉक टेस्ट एंड देन बच्चे सम रेस्ट सम रिलैक्स फॉर यू सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस थर्टींथ ऑफ सितंबर डी डे ठीक है कर लिया सबने डाउनलोड ओके okay, देख लेते हैं कौन कौन किस किस बच्चे ने ज्वाइन कर लिया वी हैव गॉट अक्षत, रंजीत ईशा अमृता सूरज हर्षित शुभम लवली मुस्कान प्रतीक हिमानी डॉक्टर गुंजन देन अजय ईशा रॉकस्टार, स्टार सुभाषीष सुफाया क्रिस्टिन ठीक है चलिए एवरीवन कॉल योर फ्रेंड्स एज वेल जहाँ भी हैं वो सो दैट दे कैन ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ दिस क्विज नाउ आई एम डिस्प्लेइंग द कोड इन फ्रंट ऑफ यू कोड फॉर टूडेज मेंटी इज सेवेंटी फोर फोर्टी टू सेवेंटी 744278 एंड 8. दिस इज द कोड फॉर today's मेंटी फटाफट से ज्वाइन कर लो कैसे करना है आपको जाना है मेंटी डॉट कॉम पर मेन्टी डॉट कॉम पर जाइएगा वहां पर वो आपसे कोड पूछेंगे द कोड इज सेवेंटी फोर फोर्टी टू सेवेंटी एट एंड एट सिंपल सा कोड है कमऑन कमॉन ज्वाइन एट एंड इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरी वन आई एम वेटिंग जब तक आप ज्वाइन करते हैं मैं प्रोसेस बता देती हूँ जो बच्चे नए आए हैं द प्रोसेस इज दैट यू हैव टू फर्स्ट ओपन गूगल गूगल क्रोम देन यू हैव टू गो इन टू द मेंटी डॉट कॉम वहाँ जाएंगे तो वो आपसे कोड पूछेंगे कोड जब पूछेंगे तो आप डाल दीजिएगा सेवनटी फोर्टी टू सेवेंटी एट एंड एट सेवन डिजिट कोड इज देयर एवरी वन शुड जॉइन आई रियली वॉन्ट कि आप मुझे आंसर इसी प्लेटफॉर्म पर दें तभी आप अपने आप को जज कर पाएंगे आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल जितने बच्चे मुझे यहां दिख रहे हैं आई वॉन्ट सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देयर एज वेल पूरी की पूरी क्लास में कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा दैट इज सेवेंटी फोर्टी टू सेवेंटी एट एंड एट फास्टली जॉइन राशि कोड इज ऑन द स्क्रीन ऊपर देखिए बिल्कुल टॉप पर सेवेंटी फोर्टी टू सेवेंटी एट एंड एट ओके अब कैसे करेंगे एक फ़ोन है अगर एक ही डिवाइस है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप YouTube की ऐप में YouTube देखिए बिकॉज लीडर बोर्ड यहीं पर आएगा एंड जो क्रोम है आपका फ़ोन का गूगल है वहाँ पर जाकर आप मेंटी में आंसर्स दीजिए यू कैन यूज़ अ मेथड ऑफ स्प्लिट स्क्रीन एज वेल या फिर अगर आपके पास दो डिवाइस हैं देन बेस्ट है एक डिवाइस पे मेंटी दूसरे डिवाइस पे यूट्यूब शुड वी स्टार्ट एवरी वन हैज़ जॉइंट okay done okay let us start with our first question first question se start kar main. starting with the first question visualization of dna on agarose gel is achieved with the help of tracking dye ethidium bromide इजेशन ऑफ डी एन एन एग्रोजेल इज अचीव विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिंग डाईडियम रोमाइड वाइर डाई और हेल्प से हम एग्रोज जेल पर डी एन ए के जो फ्रेगमेंट्स हैं उन फ्रेगमेंट्स को देख पाएंगे विजुअलाइजेशन पूछा गया है आपसे इट इज डन विद द हेल्प ऑफ जब भी हम डी एन ए को कट करते हैं देन बच्चे वी वॉन्ट टू सी ऑल दोज फ्रैगमेंट्स वी वॉन्ट टू सेपरेट दैम हाउ विल बी विजुअलाइज वेरी गुड देखो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से जो चांसेज है क्वेश्चन आने के दे आर डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीआर टी एन सी आर टी अगर आप अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ेंगे उसके सारे डायग्राम्स देखेंगे देन यू विल बी एबल टू सी की क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं से आते हैं सो इट इज गिवन इन एनसीआरटी दैट जब भी जेल इलेक्ट्रोफोरिस करी जाती है दैट मींस आफ्टर कटिंग द फ्रैगमेंट ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ डी एन ए यूजिंग आर एफ एल पी हम उसके बाद उन फ्रैगमेंट्स को विजुअलाइज करते हैं साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करते हैं कैसे करेंगे वेन वी विल पुट द जेल इन टू द इथीडियम ब्रोमाइड देन जब हम इथीडियम ब्रोमाइड में डालने के बाद वी विल कीप दिस इन फ्लोरोसेंट लाइट देन हमें वो सारे फ्रैगमेंट साइज के अकॉर्डिंग दिखना स्टार्ट हो जाते हैं सो द करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर टू वेरी गुड कोड इज ऑन द स्क्रीन बच्चों जो बच्चे कोड पूछ रहे हैं कोड हमेशा स्क्रीन पर रहता है सेवेंटी फोर्टी टू सेवेंटी एट एंड एट सो वी हैव गॉट अमर देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ट्विंकल देन प्रा ऋषभ अभिषेक आयुषी ब्यूटिफुल आदिबा एंड शेख चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन

if gene gun is used to transfer बहुत ध्यान से ऑप्शंस देखना ऑप्शंस की कैटेगरी फाइंड आउट करिए दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन आई वांट कि आप बहुत ध्यान से इसको आंसर दें if gene gun is used to transfer the gene of interest सबसे सुटेबल होस्ट कौन सा होगा इकोलाई एग्रोबैक्टीरियम राबिडोपसेस और एलिगेंस सी एलिगेंस ओके आई टोल्ड यू की क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है इतने डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आएंगे जीन गन इज यूज टू ट्रांसफर जीन ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ प्लांट्स। इतना मानते प्लांट कौन है? E plant, जो आप टिक कर रहे हैं एग्रोबैक्टीरियम इज इट प्लांट आउट ऑफ दीज फोर इज अब नॉट इकोलाइड नॉट एग्रोबैक्टीरियम नॉट सी एलिगेंस सी एलिगेंस तो क्या है इट इज अ ई कोलाई क्या है बैक्टीरिया प्लांट के केस में जीन गन इज यूज एंड द होस्ट देयर फोर इज गोइंग टू बी अ प्लांट दैट वॉज ओनली ऑप्शन नंबर थ्री समझ आया बच्चों राइट इज दिस क्लियर ये जल्दी जल्दी में जो आप करते हैं ना कि ज्यादा ज्यादा सुन जादा सुना हुआ कौन सा नाम है बायोटेक में इकोलाई सुना है और कौन सा सुना है एग्रो सुना है तो जो भी आंसर हो हमेशा इकोलाई और एग्रोबैक्टीरियम नहीं होगा जीन गन इज गूज इन केस ऑफ प्लांट एंड द प्लांट इज ऑप्शन नंबर सी राइट अंडरस्टोर्ड चलिए गुड क्वेश्चन लगा गुड क्वेश्चन लगा तो फटाफट से सेशन को क्या करना है आपको लाइक like करना है आपको टारगेट पता है अपना तो टारगेट को अचीव करने के लिए कीप ऑन लाइकिंग चलिए देखते हैं हमारे लीडर बोर्ड पे बहुत बड़ी गड़बड़ करी है वैसे इस क्वेश्चन में आपने ओके नाउ आवर लीडर हैज चेंज वी हैव अनेरी ऋषभ प्रकृति खुशी मानसी मानसी ट्वेंटी 2021 एस्पिरेंट वेरी गुड 2021 वाले बच्चों ये देखिए 2020 आपको छोड़कर लीडर बोर्ड में 2021 वाले भी आ रहे हैं रियली really गुड यशो अनुराग देन सिमरन एंड देन वी हैव गॉट अंशुल चौधरी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इट वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम इकोलाई हिमोफाइलिस इन्फ्लुएंजा, सुडोमोनास, सैंथोबोनास इजी क्वेश्चन फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एनजाइम का नाम जानते हैं वो कहां से आइसोलेट किया गया है फ्रॉम ई कोलाई इकोलाई स्यूडोमोनास और जैंथोमोनास कम ऑन गिव मी द राइट आंसर हंड्रेड परसेंट राइट दे दीजिए बच्चों इसमें गलती मत करिए प्लीज हा एंड आई वॉन्ट द नेम ऑफ फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन द इन सेक्शन एज वेल ये इकलाई e. से कुछ एक्स्ट्रा लगता है सॉफ्ट कॉर्नर है आप सबका है ना हर चीज का आंसर बायोटेक में ईक्लाई e. नहीं है हर चीज का आंसर एग्रोबैक्टीरियम नहीं है बच्चों सोच कर आंसर दीजिए विच इज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं आर द केमिकल नाइफ्स विच कट द ऑफ दी एन स्पेसिफिक साइट ओके अब पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा था हिंद टू है ना जय हिंद बोलते हैं वहां से याद रख लो हिंद टू और हिंद उसका नाम क्यों है जो एच होता है जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है दैट डिनोट द नेम ऑफ द जीनस और जो नेक्स्ट के टू अल्फाबेट होते हैं जो स्मॉल में लिखे होते हैं दे डिनोट द द नेम ऑफ स्पीशी तो जीनस वाला कौन सा हो गया H H I N is for आई First restriction enzyme was फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन isolated from Hemophilus फ्रॉम not from E. coli, not from E. coli. Please हाँ <laughs> फिर से जिन बच्चों ने गलती करी और वो 2020 वाले थे उनको तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए इसके लिए पनिशमेंट होनी चाहिए सब बच्चे कान पकड़ लो अपने जिन्होंने ये गलती करी थी जिन्होंने e. coli को क्लिक किया और वो 2020 वाले हैं। 2021 वाले फिर भी कर सकते हैं 2022 को बिल्कुल अलाउड है लेकिन आपको नहीं है इस स्टेज पर सो अगेन वी हैव गॉट ऋषभ खुशी अंशुल अंशुल वेरी गुड देन सिमरन देव ऋषि फातिमा दी एंड वैभव राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसजेनिक प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसजेनिक प्लांट हिरोडिन फ्लेवर सेवर ट्रिटिकेल और ऑल ऑफ दीज सिंपल क्वेश्चन बट ध्यान से पढ़ना है हिरोडिन फ्लेवर सेवर और ट्रिटिकेल और सारे के सारे ट्रांसजेनिक प्लांट हैं सारे ऑप्शन पढ़िएगा तभी आंसर दीजिएगा आप दो दिन से ऐसा ही कर रहे हैं आप सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन ही पढ़ते हैं एंड देन यू लीव द रेस्ट which of the following is a transgenic plant flavor savor herodin triticale or all of these टाइम इज ऑफ एंड द करेक्ट आंसर वॉज नॉट ऑल ऑफ दीज देखो मैम भी आपको ट्रिक करना जानती है मैंने इंटेंशनली बोला कि सारे पढ़िएगा बिकॉज कल से आपने ये जज कर लिया कि जब मैं ये बोल रही हूँ तो शायद आंसर डी होगा बट यहाँ पर इट वॉज नॉट ऑल ऑफ दीज हिरुडिन इज इट अ प्लांट हिरोडिन क्या एक प्लांट है बच्चों हिरोडिन इज एन एंटी कोरोडिनेरिया राइट फ्लेवर सेवर इज द ट्रांसजेनिक टमाटो तो ये एक ट्रांसजेनिक प्लांट है ट्रिटिकल इज द हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन से बना है किसका किसका राई और राइस का ठीक है सो so, ट्रिटिकल नहीं है आंसर हेरोडिन नहीं है फ्लेवर सेवर वॉज द ओनली करेक्ट आंसर सो जो वन एटी एट बच्चे हैं उन्होंने अपना दिमाग लगाया दे डि नॉट फॉल इन टू माई ट्रैप एंड द करेक्ट आंसर बिकम्स फ्लेवर सेवर ठीक है ट्रिटिकम और सिकेल के जुड़ने से बनता है राइट ट्रिटिकेल सो वो एक हाइब्रिड है वो एक ट्रांसजेनिक प्लांट नहीं है सो वी हैव गॉट ऋषभ सिमरन ऋषि दि लावण्या अमर सिद्धांत जाहवी राय रीत एंड वी हैव कॉट एस एहमद एज वेल गलतियां पता चल रही हैं बिल्कुल हिरोडिन इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम हिरोडिन एरिया ऑल दो हम उसको एक प्लांट से भी डेवलप करेंगे वो मैं अभी नहीं बताऊंगी बिकॉज दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन ठीक है नैचुरली इट इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम एन एनलिट दैट इज हिरोडिन एरिया ट्रांसजेंडिक एनिमल्स आर दो विच है ट्रांसजेंडिक एनिमल्स में फॉरन डी एन ए इन देयर सेल दिस इज समी एन ए इन ऑल ऑफ तेर सेल्सन आर एन ए इन ऑल ऑफ देयर सेल्स और बोथ वन एंड थ्री क्या होता है ट्रांसजेंडिक प्लांट क्या प्रॉपर्टी है कि क्या उनके फॉरन डी एन ए जो होता है इनके अंदर कुछ सेल्स में होता है सारे सेल्स में होता है या फॉरन आर एन ए होता है या फिर बोथ वन एंड थ्री टेन सेकेंड्स हैं आपके पास आराम से पढ़िए ओके टाइम इज नाउ अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आप जानते हैं नाइनटी फाइव परसेंट ऑफ ट्रांसजेंडिक एनिमल्स आर कैन यू टेलमी इन दार्ट सेक्शन एनसीआर की लाइन है ट्रांसजेंडिक एनिमल्स आर डैश कौन से होते हैं कुछ सेल में नहीं होता सारे के सारे सेल इनके मॉडिफाइड होते हैं, सारे के सारे सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है फॉरेन डीएनए एंड बोथ वन एंड थ्री दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर बेस्ट पॉसिबल ढूंढना होता है बेस्ट पॉसिबल आउट ऑफ दीज इज ऑप्शन नंबर टू नाइनटी फाइव परसेंट ऑफ ट्रांसजेंडिक एनिमल्स आर कौन से हैं कमॉन चैट सेक्शन में लुकिंग कि कौन आंसर देगा अनामिका हेज गिवन मी द आंसर करेक्ट आंसर फर्स्ट सबसे पहले मुझे अनामिका ने दिए नाइंटी फाइव परसेंट दीज आर माइज ट्रांसटेनिकॉर टेस्टिंग ऑफ वेरियस काइंड ऑफ वैक्सीन विच आर यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ वेरियस काइंड ऑफ रॉग्स एज वेल नाउ वी हैव कॉट ऑन द टॉपम पोजिशन Uh, Rishabh, Simran, Rishi. These are our top three. Then Amar, Janvi, uh, Jubin, Hamza, Siddhant. Then we have got Jia as well. Chali. Next question. Okay. Humulin was launched by an American company named. Easy question. Columbus Biotech, Elilili Lilly,

Yes, the correct answer was Ellie Lily. Ellie Lily is the correct answer. मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे attempt नहीं कर रहे हैं इतने easy question में why are you leaving this unattempted? You all should attempt such easy questions. Humulin क्या था Humulin word has come from human insulin that we have developed by the technique of biotechnology. किस company ने बनाया था किस year में बनाया था 1980s में बना था किसने बनाया था Ellie Lily. याद रखना है है ना A, B और C polypeptide होते थे फिर हम जो नहीं था इनएक्टिव में था उसको रिमूव कर देते देन जॉइन रेस्ट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड दैट इज हाउ वी कैन डेवलप इंसुलिन सो नाउ वी हैव गॉट राइट right, सेम हमारा लीडर बोर्ड है बट दो तो बच्चे नए ऐड हुए हैं वी हैव गॉट रीत एंड वी हैव गॉट काजल एज वेल मुझे यही कॉन्फिडेंस चाहिए जो कॉन्फिडेंस से आप लिखते हैं ना डॉक्टर समथिंग एंड नीट हमारा है नीट मेरा है आई वांट द सेम कॉन्फिडेंस इन ईच वन ऑफ यू और आप अगर रेगुलर ये क्विज अटेंड करेंगे आपका रैंक इंप्रूव होगा एवरी डे के साथ देन यू विल बी हाईली कॉन्फिडेंट कि यस yes, हमें चीज़ें आती हैं और हम अच्छे से पेपर में परफॉर्म कर सकते हैं 2021 वाले भी पार्टिसिपेट कर लें विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए वेरी गुड क्वेश्चन कॉस्मेट बैक याक और प्लाज्मेट विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए स्मॉल फ्रैगमेंट चलिए दीजिए आंसर बैक याक, कॉस्मेट और प्लाजमेट दीज ऑल आर वेक्टर्स क्लोरिंग के काम आएंगे स्मॉल फ्रैगमेंट के लिए कौन सा वेक्टर यूज किया जाता है कमॉन कमॉन आंसर शुड बी आंसर शुड बी यस प्लाज्मेड

आ सकता है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम तो अगर आपसे स्मॉल फ्रैगमेंट पूछा जाता तो आप प्लाज्मिड पूछ क्लिक uh, करते अगर आपसे लार्ज फ्रैगमेंट कि सबसे बड़ा फ्रैगमेंट किसके अंदर हम क्लोन कर सकते देन द आंसर वुड हैव बीन यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम ठीक है करेक्ट याद रख लिया सबने बिल्कुल ठीक प्लाज्मिड So now we have got ओके okay, तो हमारे पास सेम बच्चे हैं ये जो टॉप थ्री हैं वेरी गुड ऋषभ सिमरन ऋषि अमर सिद्धांत खुशी काजल अनुपम आंचल एंड रश्मि चौधरी मुझे जितने बच्चे यहाँ दिखते हैं उतने लीडर बोर्ड में क्यों नहीं आ रहे हैं वाई आर यू नॉट अटेम्प्टिंग द मेंटी एंड वाई आर यू नॉट प्रोवाइडिंग द शन कैसे प्रोवाइड करना है बाई लाइकिंग दिस सेशन इतने बच्चे हैं तो लाइक्स इतने कम क्यों फटाफट से लाइक करिए नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले यू हैव टू हिट द लाइक बटन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन ह्यूमन प्रो इंसुल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड चेन्स रिस्पेक्टिवली आर वही ह्यूमुलिन की बात हो रही है ह्यूमन प्रो इंसुल प्रो इंसुलिन में अमाइनो एसिड चेन्स हैं ए बी सी जिसमें से आपसे पूछा गया है ए और बी में कितने अमाइनो एसिड्स हैं रिस्पेक्टिवली आर नंबर ऑफ चेन्स इन ए एंड बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन दे आर कितनी है कमॉन कमॉन आंसर दीजिए राइट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर पी एब्सोल्युटली जो देखिए आपके पास तीन चेन्स हैं कौन कौन सी चेन्स हैं ए है बी है, है और सी है इसमें से हमें जो एक्टिव फॉर्म है उसके लिए मुझे सिर्फ ए और बी चाहिए सी हैज टू बी रिमूव्ड तो ए और बी जो चेन्स हैं उसमें कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं वी हैव गॉट 21 इन ए एंड 13 केस ऑफ बी जॉइंड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स सो द करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर 2 ये याद करना है नहीं कर रहे हो नहीं याद था तो अपनी एनसीईआरटी में इसको मेंशन कर लो ठीक है 21 and 30. Absolutely. So, in top three, there is a new edition that is Kajal. Good. Siddhan, Tanupam, Anchal, Tanya. Good one. And Avisha. Next question. गोल्डन राइस वॉज क्रिएटेड बाई ट्रांसफॉर्मिंग राइस विथ थ्री बीटा कैरोटिन बायोसेंथिस जींस विच वर आइसोलेटेड फ्रॉम ये जो जीन्स है ये कहाँ से लिए गए थे मैरी गोल्ड टैफोडल मस्टर्ड और बीन्स दीज जीन्स बीटा कैरोटिन जीन्स जो कि हमने गोल्डन राइस में डाले दीज वार आइसोलेटेड फ्रॉम कहाँ से लिए गए बताइए बताइए आपके सामने फोर ऑप्शन है मैरीगोल्ड टैफोडल मस्टर्ड और बीन्स गोल्डन राइस इज अ ट्रांसजेनिक वेराइटी ऑफ राइस ये आप जानते हैं उसमें कौन सा जीन इंसर्ट किया गया है दैट इज बीटा कैरोटीन ये बीटा कैरोटीन जीन लिया कहां से किया ट कहा से किया गया डेफोडिल तो में से जीन को आइसोलेट करके किस इन केस राइसन एंड बीटा कैरेटीन इज अ प्रसर ऑफ वाइटमिन ए सो वाइटमिन ए रिच राइस लिटिल बेट गोल्डनिश इन कलर पेल येलो इन कलर तो इसीलिए इनको क्या बोला गया है गोल्डन राइस वाइटमिन भी याद रखेंगे ए कौन सा जीन है बीटा कैरोटिन का कहां से लिया गया डैफोडिल से और डैफोडिल का साइंटिफिक नेम क्या है नार्सिस okay. आगे चलते हैं ठीक है सो यहां पर अब हमारे पास है बच्चे राइट सो वी हैव गॉट दिति मुस्कान ऋषि एम्स एज वेल well. अनुपम तान्या खुशी काजल सिमरन एंड ऋषभ हिरोडिन ट्रांसजेनिक प्लांट नेम द्लांट ऑल दो हिरोडिन कैन बी नैचुर कलेक्टेड फ्रॉम हिरोडिन एरिया बट इट इज इट इज एक्सट्रेक्टेड फ्रॉम ट्रांसजेनिक प्लांट ब्रासिका नेपस बैसिलस नेपस बीटी ब्रिंजल बीटी ब्रासिका नेपस ठीक है हीरोडिन किस प्लांट से लिया जाता है मतलब प्लांट के अंदर हमने जीन डाला होगा उसका जीन डालने के बाद उस प्लांट के सीड्स में से हमने क्या, क्या कलेक्ट किया है हेरोडेन नेम दैट प्लांट दिया हुआ है एनसीईआरटी में आपको याद रखना था दैट इज ब्रासिका नेपस अब क्वेश्चन चलिए ये तो आपने आंसर दे दिया नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस कैन कम कि जो हेरोडेन है ये जो हेरोडेन का जीन डाला गया है ब्रासिका नेपस में वो जीन कहाँ से लाए

एज करेक्ट यहां पर लेकिन मैंने आपसे एक एडिशनल क्वेश्चन भी पूछा है कहां से लिया गया उस जीन को कम ऑन कहां से लिया गया ये देखिए कर रहे हैं गड़बड़ कर रहे हैं गड़बड़ देखिए आप पूछ रहे हैं वट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी ए में दिया हुआ ब्रासिका नेपस ध्यान से पढ़ो बी में दिया हुआ बैसिलस नेपस nothing, right? नेपस व्हिच इज इज नथिंग राइट ब्रासिका अ प्लांट जिसके अंदर केमिकली सिंथेसाइज्ड जीन ऑफ हिरोडिन वाज इंसर्टेड जिससे ब्रासिका नेपस कैसा प्लांट बन गया ट्रांसजेनिक प्लांट बन गया और उसके सीड्स से हम क्या कलेक्ट कर सकते हैं हिरोडिन व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस जीन हमने हिरोडिन से नहीं लिया है लैब में बनाया है केमिकली सिंथेसाइज सिंथेटिक हेरुडिन जीन है वो जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया है ब्रासिका नेप्स ये लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में दैट द जीन इज सिंथेटिक सिंथेटिकली सिंथेसाइज दैट मींस खुद से बनाया गया है एंड देन इंट्रोड्यूस किया गया है प्लांट में यस इट इज केमिकली सिंथेसाइज अमृता एब्सोल्युटली करेक्ट ठीक है सो हमारे पास हमारा लीडर चेंज हो चुका है वी हैव गॉट सिमरन देन वी हैव गॉट ऋषभ खुशी अनुपम तान्या एम्स दिति मुस्कान हर्षा एंड वीरा एज वेल बहुत सारे नए बच्चे भी आए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट ऑर्डर इन द रिएक्शन ऑफ पी सी आर इज़ पी सी आर फिगर आउट करो क्या है दैन द ऑर्डर इन विच दैट रिएक्शन मूव्स फरदर एक्सटेंशन डी नेचुरेशन अनिलिंग अनिल डी नेचुरेशन डी नेचुरेशन एक्सटेंशन अनिलिंग और डी नेचुरेशन अनिलिंग एंड देन एक्सटेंशन वट इज द करेक्ट ऑर्डर इन द रिएक्शन ऑफ पी सी आर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो आपको सारे स्टेप्स दिखा देंगे एंड दे विल आस्क यू टू लेबल की इन तीनों को लेबल करिए दे केन आस्क दिस क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ द टेम्परेचर तीनों का टेम्परेचर पूछ सकते हैं और सिंपली इन द करेक्ट ऑर्डर एक क्वेश्चन पीसीआर में से बन सकता है स द करेक्ट ऑर्डर वॉज ऑप्शन नंबर डी दैट इज डी नेचुरेशन अनिलिंग एज वेल एज एक्सटेंशन सबसे पहले पीसीआर क्या है इट इज अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पर्पज क्या है टू एम्पलीफाई आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे करेंगे बच्चों सबसे पहले जो हमारा टेम्पलेट है उसको क्या करना है डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सेपरेट करना है देन वी हैव टू अटैच द प्राइमर्स है ना उसको हम बोलते हैं अब उन प्राइमर्स प्राइमर्स को primers तो छोटे ओलिगो अनिल ऑलिगोन उनको क्या करना है बढ़ाना है दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन जिसमें डीएन टीपीज अटैच होते जाएंगे और प्राइमर की लेंथ क्या होती जाएगी एक्सटेंड होती जाएगी दिस वे वी परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एम्प्लीफिकेशन दिस टेक्निक वॉज डेवलप कैरी म्यूलेस टेम्परेचर आप जानते हैं हाई टेम्परेचर यूज होता है डीनेचुरेशन एट अराउंड 92 टू टू फोर डिग्री सेंटीग्रेड देन बच्चे नीलिंग के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा कम करते हैं दैट इज अराउंड फिफ्टी टू सिक्सटी एंड देन एक्सटेंशन के लिए फिर से थोड़ा सा बढ़ाया जाता है दैट इज अराउंड सेवेंटी फाइव ओके अब इतना हाई टेम्परेचर है तो हमें जो डीएनए पॉलीमरेज चाहिए वो भी कैसा चाहिए जो हाई टेम्परेचर पर काम कर सके एंड दैट डीएनए पॉलीमरेज इज बता सकता है कोई दैट डीएनए पॉलीमरेज इज कमॉन कमोन डीएनए पॉलीमरेज इज विच इज यूज इन केस ऑफ पीसीआर साथ में आप अपने रैंक्स भी देख लीजिए सब बच्चे अपना रैंक देखिए मुझे तो सिर्फ टॉप टेन के दिखते हैं आई वॉन्ट यू टू फिगर आउट योर रैंक एंड इम्प्रूव योर रैंक एज वेल ठीक है टैक पॉली ओहो आंसर दे दिया मैंने द पॉलीमरेज विच इज यूज इन केस ऑफ पी सी आर इज Tac polymerase obtained from the bacteria which lives in hot springs that is thermus aquaticus yes next chalte so next question which part of tobacco plant is infected from meloidogyne incognita which part is affected from meloidogyne incognita we have leaf stem root or flower कौन सा पार्ट पे बच्चे इंफेक्शन होता है लीव स्टेम रूट और फ्लावर 20 सेकेंड है आप सबके पास टबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड विद मिलोडिगनी इनकोग्निटा बट विच पार्ट कमॉन कमॉन यस द करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन नंबर सी बच्चो रूट विल बी अफेक्टिव रूट बच्चे ये जो टबैको की जो रूट है उसमें गांठे बना देंगे मिलोइडो गाइनी इनकॉग्ज नेमेटोड विच कैन अफेक्ट द रूट ऑफ द टबैको प्लांट ये रूट में क्या बना देंगे गांठ तरीके का स्ट्रक्चर बना देंगे इसीलिए इसको क्या बोला जाता है रूट नॉट नेमेटोड और इस टेक्निक को ठीक करने के लिए हम किसकी हेल्प ले रहे हैं किस बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक की हेल्प ले रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो नेमेटोड है इसके आर को साइलेंस कर दिया जाए साइलेंस कर

राइट आर एन ए आई बिल्कुल ठीक सही बात बोल रहे आर एन ए इंटरफेरेंस विच इज ए टेक्निक ऑफ जीन अब्सट्रैक्शन सो वी हैव गॉट सिमरन ऋषभ खुशी अनुपम तान्या एम स्थिति वीरा हर्षा एंड अमर रंजन एज वेल नेक्स्ट चलते हैं इंडियन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिंग सेफ्टी ऑफ जी एम ओ इज़ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिंग द सेफ्टी आई सी एम आर सी एस आई आर आर सी जी एम और जी ई ए सी दिस इज गिवन एन एन सी आर टी बायोटेक में एन सी आर टी ही आपके लिए एक येस गोल्ड स्टैंडर्ड का काम करती है बिकॉज मोस्टली क्वेश्चन विल कम डायरेक्ट फ्राम द एनसीआर टी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो बताएगी कि क्या जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वो सेफ है या फिर नहीं है आईसीएमआर सी एस आई आर आर और जीई ए सी राइट द करेक्ट आंसर इज नॉट आईसीएमआर आईसीएमआर और सी एस आई आर बच्चे रिसर्च की एजेंसीज uh, हैं इंडियन एजेंसीज है गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जहां पर रिसर्च होता है कल को अगर आप पीएचडी करते हैं तो पीएचडी बच्चे यूजुअली पीपल दे डू इन सीएसआईआर लैब्स ये उनका एम होता है कि पीएचडी जो स्कॉलर्स हैं इट इज देयर एम टू डू रिसर्च इन दीज गुड लेबोरेटरीज ऑफ इंडिया वन ऑफ दी इज आई अदर वन इज आई बहुत सारी लैब्स होती है मल्टीपल लैब्स होती है पूरे के पूरे इंडिया में यहां पे बच्चे द सेफ्टी ऑफ जी एम ओ इज एसेस्ड बाई जी ई ए सी दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो बताएगी कि जो रिसर्च चल रहा है जीएमओ पे इट कुड बी प्लांट इट बी एनिमल क्या वो सेफ है कि, किस हद तक सेफ है तो हमें अप्रूवल लेना पड़ता है बिफोर इंजीनियरिंग फ्रॉम दिस कमेटी दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जीई ठीक है बिल्कुल ठीक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों सी एस आई आर में भी और आईसीएमआर के लैब्स में भी इन फ्यूचर इफ एनी वन ऑफ यू गेट्स इंटरेस्ट इन रिसर्च देन यू विल एम फॉर सच काइंड ऑफ लैब्स सो यहां पर हमारे पास है सिमरन ऋषभ खुशी अनुपम तान्या दिति एम्स हर्षा वीरा एंड अमर रंजन नेक्स्ट क्वेश्चन इन बीटी टी बैसेलस इज नॉट किल्ड बाई बी टॉक्सिन बिकॉज

ओनली ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट्स सो द करेक्ट आंसर इज यस ऑफ कोर्स बिकॉज इट एग्जिस्ट एज इन एक्टिव टॉक्सिन इसी वजह से वो खुद को उसको अफेक्ट नहीं होता है ये टॉक्सिन एक्टिवेट कब होगा वेन इट विल गो इनसाइड द इंसेक्ट एल्काइन पी एच ऑफ द मिड ग इंसेक्ट इट विल गेट एक्टिवेटेड जैसे इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग पोर्स इन दॉल ऑफ दोर्स होंगे तो बच्चे धीरे धीरे क्या होती जाएगी लाइसेज कुछ भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे कंज्यूम नहीं कर पाएंगे विल स्टार्ट स्टारे विल अल्टीमेटली डाई सो फॉर एक्टिवेशन दे रिक्वायर अच इज नॉट प्रेजेंट इन देर बॉडी जो उनको कहां पर मिलेगी इन द मिड गट ऑफ द इंसेक्ट ठीक है सो दिस इज द करेक्ट आंसर ये याद रखें लेना बच्चों ये जो बी है बैसिलस थ्रेंजेंसिस है बायोटेक्नोलॉजी में से एक क्वेश्चन इस पर जरूर आएगा कि एक्टिवेट कहाँ पर जाकर हो रहा है एक्चुअल में किसको किल कर रहा है कौन कौन से प्लांट्स है कौन से जीन हैं क्राई वन ए सी क्राई टू ए बी किस किस प्लांट के केस में यूज हो सकता है वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू कम ठीक है अनुपम तान्या एंड अमर रंजन बिल्कुल सेम बच्चे हैं बाकी बच्चे पूरी कोशिश करिए इतने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वाई आर नॉटियरिंग इन द लीडर बोट फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी डायबिटीज मेलाइट रिमोटॉइड आर्थराइटिस चिकन पॉक्स और एडीनोसिन डी एमिनेस डेफिशिय फ़र्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी किस केस में यूज़ करी गई पेशेंट को क्या था डायबिटीज मेलाइटस रिमिटॉइड ऑर्थराइटिस चिकन पॉक्स और एडीए एडीए डेफिशिएंसी राइट टाइम इज अप हंड्रेड परसेंट करेक्ट दीजिए यस द करेक्ट आंसर वॉज ए डी ए डेफिशेंसी जो पहली जीन थेरेपी करी गई थी दैट वॉज परफॉर्मड ऑन अ फोर ईयर गर्ल जिसमें बच्चे दिस जीन वॉज एबसेंट जिसकी वजह से एनजाइम वॉज नॉट देयर एडिनोसिन डियामिनज एडिनोसिन डियामिनज नहीं था तो आप उनके टी सेल्स नहीं बन पा रहे थे टी सेल्स नहीं बनेंगे तो द इम्यून सिस्टम वॉज हाईली वीक सो उनको पहली बारी ये जीन थेरेपी दी गई थी अल्टीमेटली बच्चे वी वॉन्ट टू मेक न्यू एन्जाइम है ना अगर हम फ्रेश एंजाइम किसी तरीके से उसमें इंट्रोड्यूस कर दें आइर बाय इंट्रोड्यूसिंग द जीन और बाई इंट्रोड्यूसिंग द एन्जाइम इट इट सेल्फ वी कैन क्योर दिस कंडीशन बट ये परमानेंट क्योर नहीं था क्योंकि टाइम टू टाइम बच्चे टाइम टू टाइम हमें वो सेल्स इंट्रोड्यूस करने पड़ते थे क्यों क्योंकि इनका एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन है परमानेंट क्योर क्या हो सकता है कि अगर हम ये चेंज उसके स्टेम सेल्स में ब्रियोनिक एज में ही कर दें इन दैट केस दिस कैन बी ए परमानेंट क्योर अदरवाइज ये जो जीन थेरेपी में पहली बारी ट्रीटमेंट किया गया था उसको टाइम टू टाइम नए टी सेल्स देने पड़ते थे बिकॉज उनका लिमिटेड लाइफ स्पैन था वाई दिस वॉज नॉट द परमानेंट, इट वॉज अस इसको हम स्केट भी बोल सकते हैं स्वीयर कंबाइंड इम्यूनो वीरा अमर एंड नैंसी विच इज अ न्यू एडिशन आगे चलते हैं बीटी क्रॉप ग्रोन बाय इंडियन फार्मर्स इज ब्रिंजल सोयाबीन मेज और कॉटन दिस इज वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई गेस 2013 और 15 में एक क्वेश्चन पूछा गया था बीटी कॉटन विच इज ग्रोन बाय इंडियन फार्मर्स बीटी टी क्रॉप तो है ब्रिंजल सोयाबीन मेज और कॉटन में से क्या चीज ग्रो होती है इंडिया में कम ऑन गिव मी द राइट आंसर इंडियन फार्मर्स दे ग्रो विच टाइप ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप जिसमें बी टी वाले जीन्स हैं द करेक्ट आंसर इज येस द करेक्ट आंसर इज कॉटन इंडियन फार्मर्स दे आर ग्रोइंग बी टी कॉटन नॉट सोयाबीन नॉट मेज बिल्कुल ठीक बच्चों So we have got on the topmost position. Okay, new leader is there now. We have Rashab as our new leader, Khushi, and then third position by Tanya, Simran, Diti, Veera, Amar, Nancy, Kajal, and Clippy as well. Next question. Which of the following is used as vector in introducing gene of interest in human lymphocytes retrovirus TI plasmid lambda phage PBR322 Plasmid BR322 retrovirus TI plasmid lambda phage अगर ह्यूमन के लिम्फोसाइट्स में हमने कोई फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करना है तो कौन से वेक्टर को हम यूज करेंगे इन केस ऑफ ह्यूमन लिम्फोसाइट्स retrovirus TI plasmid फाज और प्लाजमेट बी आर थ्री ट्वेंटी टू वॉट इज यूज ओके यस बिल्कुल ठीक ह्यूमन लिम्फोसाइट्स मतलब किन सेल्स की बात हो रही है एनिमल सेल्स की बात हो रही है और एनिमल सेल्स में फॉर इंट्रोड्यूसिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट वी कैन यूज दिस रेट्रोवायरस। बिल्कुल ठीक आंसर दिया है अगर पूछा जाए था टीआई प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड तब आंसर होता व्हेन दे वुड हैव आज कि प्लांट सेल के अंदर जीन ऑफ हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करना है इन दैट केस वी वुड हैव यूज्ड द टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस लेकिन यहां पर एनिमल सेल पूछा गया था द आंसर इज गोइंग टू बी रेट्रोवायरस बहुत बढ़िया है ना अच्छा ऋषभ खुशी सिमरन वीरा अमर काजल नैंसी फातिमा देन तान्या एंड देन वी हैव गॉट यू एज वेल एक बात बताइए आप सब कुछ ना कुछ तो सीखते हैं ना यू एन्जॉय सच काइंड ऑफ क्विजेज यू एन्जॉय एंजॉय के साथ साथ देर इज अर्निंग एज वेल सब बच्चे कुछ ना कुछ यहाँ से एक नया सीख कर जाते हैं फटाफट से अपना टारगेट जो है आप टारगेट क्यों नहीं पूरा कर रहे Come on, fill the target. Because जितने बच्चे मुझे यहाँ देख रहे हैं उतने वहां नहीं है जितने बच्चे मुझे चैट में दिख रहे हैं उतने मेंटी पर नहीं है आई वॉन्ट सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑन द मेंटी बिकॉज मैं चाहती हूँ सब बच्चों का इक्वली फायदा हो सो स्टर्टेंगो रियाक्टर्स दीज आर डिजाइंड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट

डिजाइंड फॉर यस, क्योंकि जब स्टारिंग होगी तो सारी जगह पर सारे सेल्स तक क्योंकि एक लार्ज स्केल पर वी आर परफॉर्मिंग द प्योरिफिकेशन सो दैट विल बी डन दैट विल बी डन विद द स्टरिंग प्रोसेस जिसमें फोम कंट्रोलर भी है पीएच कंट्रोलर भी है टेम्परेचर कंट्रोलर भी है हर सेल तक अगर ऑक्सीजन बनेगा पहुंचेगा तो सारे सेल्स बच्चे दे विल बी एबल टू ग्रो फर्दर और जब ग्रोथ होगी तो प्रोटीन बनेगा उसी प्रोटीन को हम क्या कर लेंगे डाउन प्रोसेसिंग से प्योरीफाई कर लेंगे सो द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टरिंग इज टू मेक श्योर दैट ऑक्सीजन रीचेज टू ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दैट टैंक राइट सो हमारे पास है हमारा टॉप मोस्ट पोजिशन पर ऋषभ खुशी सिमरन वीरा अमर नानसी काजल फातिमा तान्या एंड यशु अभी भी जितने बच्चे यहाँ हैं मेंटी जॉइन कर लो लास्ट के फ्यू क्वेश्चन हैं यू कैन स्टिल चेक योर सेल्फ देखिए मेरे लिए नहीं है मैं चाहती हूँ आप अपने आप को जज करें बेस्ट वे टू जज इस क्या हम प्रेशर सिचुएशन में काम करते हैं प्रेशर इन सेंस कि जब टाइम बाउंड सिचुएशन है थर्टी सेकेंड्स मिल रहे हैं हर क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्रो बैक्टीरियम इज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर फॉर किसके लिए मोनोकॉट प्लांट्स, डायकॉट प्लांट्स, यीस्ट और मशरूम्स एग्रो बैक्टीरियम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है किस केस में प्लांट तो हम सबको पता है लेकिन कौन से प्लांट्स मोनोकोट, डाइकॉट यीस्ट और मशरूम्स आधा मैंने 50-50 वाला आंसर तो दे दिया लाइफ लाइन आपने अप्लाई करी नहीं करी मैंने खुद से आपको लाइफ लाइन दे दी कि 50-50 कर दिया अब आंसर आपको दो ऑप्शंस में ही ढूंढना है राइट द टाइम इज नाउ आप करेक्ट आंसर इज डाइकॉट प्लांट बिल्कुल ठीक सो एग्रो बैक्टीरियम इज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बिकॉज इट इज यूज इन केस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इन टू द फ्यू सम ऑफ द समाकॉट प्लांट्स सो बी था आपका राइट right आंसर अब ये देखिए ये सी और डी वाले बच्चे कौन है मैं पहले ही बता चुकी हूं कि इट इज यूज इन केस ऑफ प्लांट्स तो यीस्ट इज अ प्लांट मशरूम इज अ प्लांट आपने फंजाई को कब से प्लांट में यूज करना शुरू कर दिया तो ये जो बच्चे हैं यीस्ट और मशरूम वाले मतलब उनके कान बंद हैं वो सुन ही नहीं रहे हैं कि मैम क्या बोल रही हैं 50 50 तो कर दिया था बच्चे ऐसी गलती तो मत करिए कम ऑन टारगेट पूरा करते रहिए टारगेट पूरा करते रहिए और आपका यहां पर जो मार्क्स लेने का टारगेट है वो मेरा है आई विल कंप्लीट दैट थिंग आपको बस क्या करना है रोज आना है प्रिपेयर करके आना है बिना प्रिपेयर के आएंगे तो यही हाल होगा कि मैं आंसर बता रही हूं तो भी गलत टिक कर रहे हैं अब ये हालत मेरे 2020 वाले बच्चों की नहीं है आई नो यू गाइज आर हाईली इंटेलिजेंट इट इज जस्ट कि आप किस चीज को रिवाइज कर रहे हैं किसको नहीं कर रहे हैं। आपको खुद एक अच्छा फील होता होगा जब आप कोई भी चैप्टर को रिवाइज करके आकर मेंटी देते हैं है ना तो ये हमारे टॉप मोस्ट बच्चे आगे चलते हैं सो जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ जीनोमिक लाइब्रेरी बाय कैसे सिलेक्ट करेंगे क्लोनिंग वेक्टर आर एफ एल पी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए लेबल्ड विद द प्रोब और ट्रांसलेटेड प्रोटीन सिलेक्शन की बात हो रही है जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द जीनोमिक लाइब्रेरी बाय बहुत सारे बच्चे आपके पास बहुत बड़ा जीनोम है आपने किसी एक जीन को सिलेक्ट करना है तो कैसे सिलेक्ट करोगे वेक्टर की हेल्प से आरएफएलपी करके प्रोब यूज करके लेबल्ड विद द प्रोब और ट्रांसलेटेड प्रोटीन्स टेक्निक जो है ना ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की लैब में बहुत ही कॉमनली यूज की जाती है आई हैव दिस एक्सपेरिमेंट सो ऑफ इंटरेस्ट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ अ जीनोमिक लाइब्रेरी बाय यूजिंग डीएनए और आरएनए लेबल्ड विद अ प्रोब प्रोब बच्चे देखिए मान लीजिए बहुत बड़ा जीनोम है मुझे किस कोई एक जीन को ढूंढना है तो मैं क्या करूंगी उसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लूंगी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना लूंगी बट आई विल लेबल इट विद द प्रोब जब वो कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए अपने टेम्पलेट से जुड़ेगा मतलब वही मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है एंड जो प्रोब है वो क्या देता है बच्चे कलर देता है सो so, पूरे के पूरे जीनोम में जहां पर मुझे कलर दिख रहा है वहां पर मतलब मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है सो दिस टेक्निक इज यूज टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीन आउट ऑफ द बिग जिनोम ऑटो रेडियोग्राफी भी बोलते हैं इसको ठीक है सो द करेक्ट आंसर क्या था आपका ऑप्शन नंबर थ्री आर एल नहीं हो सकता आर एफ एल पी रिस्ट्रिक्शनेंट जिस टेक्निक से बच्चे हम उसको कट कर रहे हैं दैट इज आर एफ एल पी क्लोनिंग वैक्टर इज सिंपली यूज फॉर क्लोनिंग नॉट फॉर टेकिंग आउट और नॉट फॉर सिलेक्टिंग अवर जीन इन द होल जिनोम पूरे जिनोम में से सिलेक्ट करना है तो हमें कहीं ना कहीं उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड भेजना पड़ेगा उसके साथ प्रोब लगाकर भेजेंगे प्रोब बच्चे जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड अपने सामने वाले से बाइंड होगा वहां पर वो हमें क्या देना शुरू कर देगा कलर देना शुरू कर देगा ठीक है ओके सो नाउ वी हैव गॉड ऋषभ खुशी वीरा And then we have got Lavanya, Rishi Avisha, Smiley Ames, and Nancy. And the leader of our today's mentee is Rishabh Tomar. बट जो कल की मेंटी और परसों के मेंटी के विनर्स थे वो मुझे कहीं भी नहीं दिख रहे हैं देखो यू हैव टू बी हाईली रेगुलर कल का मैं सिलेबस आप सबको दोबारा बता दूं सिलेबस इज डाइजेस्टिव सिस्टम प्लस मैंने नया ऐड किया है प्लस एवोल्यूशन जाने से पहले बच्चे कुछ नया सीखा है तो जरूर से जरूर हिट द लाइक बटन फटाफट से बच्चों लाइक करके जाइए एंड सी सिलेबस वंस अगेन सब बच्चे जो पहले नहीं आए थे स्टार्टिंग में मिस हो गया था दिस इज द स्केड्यूल वीक वन पे चल रहे हैं वीक वन इज गोइंग ऑन वीक वन में बच्चों बायोटेक तक इज डन कल हमने लास्ट चैप्टर करना है ट्वेल्थ का एवोल्यूशन साथ ही में एक छोटा सा चैप्टर लेंगे इलेवेंथ का डाइजेस्टिव सिस्टम उसके बाद टर्न आएगी ब्रीदिंग एंड देन संडे विल बी अ रेस्ट डे फॉर यू देन बॉडी फ्लूड्स एक्सक्रीशन नर्वस लोकोमोशन केमिकल कंट्रोल बायोमोलिक्यूल्स और फिर लास्ट वीक में कॉकरोच टिश्यूज एनिमल किंगडम और लास्ट में आएंगे बच्चों आपके कंप्लीट मॉक टेस्ट कम्प्लीट सिलेबस टेस्ट दो टेस्ट लूंगी एंड देन आई विल गिव यू समिप्स फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग और उसके बाद बच्चे एक दिन का रिलैक्स एंड देन यू विल बी रेडी फॉर योर संडे एग्जामिनेशन थर्टींथ ऑफ सेप्टेम्बर अब आप अपनी एनर्जी इस चीज़ में मत लगाइए कि एग्जाम नहीं होना चाहिए या फिर होना चाहिए अभी के लिए एग्जाम इज हैपनिंग सो यूज़ योर एनर्जी एट दैट प्लेस आप तैयारी में अपनी एनर्जी लगाइए स्टॉप ऑल दोज थिंग्स की ट्विटर uh, पे जाकर रीपोस्ट करना है रीट्वीट करना है इसको पोस्ट करना है इसको पोस्ट करना है स्टॉप लुकिंग इनटू द फेक न्यूजेज एडमिट कार्ड हैज बिन रिलीज आप देखिए एनटीए के साइट पर एडमिट कार्ड आ चुके हैं डाउनलोड योर एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड रिलीज होने का मतलब ही ये होता है दैट द एग्जाम इज गोइंग टू हैपन नो मैटर वॉट और ये अच्छा भी है बिकॉज अगर एग्जाम नहीं हुआ तो इफ़ दिस ईयर इज कंसिड कंसिडर्ड एज जीरो ईयर तो नेक्स्ट ईयर बच्चों आप ही को डबल कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा विद द स्टूडेंट्स ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी वन एज वेल सो डू यू वॉन्ट दिस थिंग नो नो वन वॉन्ट्स दैट बिकॉज सीट्स आर अगेन लिमिटेड सो आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी दैट यूज योर एनर्जी ओनली इन रिवाइजिंग नॉट इन थिंकिंग नॉट इन फीलिंग बैड कि इसने ऐसा कर दिया ये हमारे साथ नहीं है पीपल आर नॉट वेद दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ अस आपके हाथ में जो है बच्चे वो करिए आपके हाथ में कि आप अच्छे से रिविजन कर सकते हैं इस किवन टाइम में राइट सो दिस इज द स्केड्यूल ऑफ अवर स्पेशल क्लासेज स्पेशल क्लासेस अन अकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ली जाती है बिल्कुल फ्री क्लासेस है यहां पर जाकर आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि हमारा प्लस प्लेटफॉर्म किस तरीके से दिखाई देता है देन आफ्टरनून में बच्चों वी हैव दीपक सर फॉर यू जो आपकी केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कराते हैं सो इलेवन थर्टी टू वन पी एम इज केमिस्ट्री देन बच्चों इवनिंग स्केड्यूल इज फिक्स फॉर नीट लाइफ डेली टू पॉइंट मंडे टू वेन्सडे किसकी टर्न होती है क्लास इलेवेंथ की थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इट इज अ टर्न ऑफ क्लास ट्वेल्थ जिसमें आज हमने फिर से डीपीपी डिस्कस करनी है किसकी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस की द 2021 वाले स्टूडेंट्स वी हैड कंप्लीटेड ह्यूमन हेल्थ बहुत बड़ा चैप्टर था एक डीपीपी डिस्कस की थी टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट डीपीपी एट 5 पीएम राइट right? सो टेलीग्राम ऐप बच्चे सबके पास है नहीं है तो डाउनलोड कर लेना डाउनलोड करने के बाद जाइएगा लाइव डेली डॉट मी स्लैश चैट इट विल टेक यू टू आवर चैनल अन अकेडमी नीट अभी बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना बिकॉज सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस रिलेटेड टू द सेशन कि कौन सा सेशन कब होने वाला है यू विल रिसीव ऑन दिस चैनल देन स्टूडेंट्स आप सेल्फ़ स्टडी कर सकते हो 2020 वालों के लिए स्पेशली अगर वो कोई भी टॉपिक फिर से रिवाइज करना चाहते हैं तो आपको टॉपिक वाइज लिस्ट मिल जाएगी बाय गोइंग ऑन दिस लिंक लाइव डेली डॉट मी स्लैश चैट वीडियोज़ भी देख सकते हो वहां से पीडीएफ भी एक्सेस कर पाओगे सेम टाइम पर ठीक है अब बात करते हैं अन सब्सक्रिप्शन की क्या है ये सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन बच्चे एक अन का स्पेशल प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे एजुकेटर्स दे आर टीचिंग गुड एजुकेटर्स टॉप एजुकेटर्स ऑफ दिस कंट्री दे आर टीचिंग सारा का सारा कोर्स आपका सिलेबस आपका फर्स्ट चैप्टर से लेकर एंड तक कंप्लीट होता है उन कोर्सेज में लाइव क्लासेस के द्वारा उन लाइव क्लासेज में आप टीचर को देख पाओगे जैसे आप अभी देख पाते हो यू कैन स्टडी वहां पर देख पाओगे और आपके डाउट्स भी हंड्रेड क्लियर रहेंगे बिकॉज

going to get the benefit of attending any course any course at any time मतलब जितने भी batches plus पर चल रहे होंगे जितने भी आप किसी भी बैच में जाकर पढ़ सकते हैं क्या मतलब है इलेवेंथ के होते हुए यू कैन स्टडी ऑफ क्लास ट्वेल्थ ट्वेल्थ के होते हुए साइड बाय साइड आप कौन सा कोर्स अटेंड कर सकते हैं इलेवंथ क्लास का और मल्टीपल बैचेस बिकॉज बहुत सारे टीचर्स हैं हर हाँ, टीचर ने अपना प्लस कोर्स लॉन्च किया है एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम एन नंबर ऑफ टीचर्स सो नॉलेज अनलिमिटेड है यहाँ पर इट इज जस्ट इट डिपेंड्स ऑन यू कि क्या आप उस नॉलेज के लिए रेडी हैं बिल्कुल और इस अनअकेडमी सब्सक्रिप्शन के द्वारा घर बैठे यू कैन गेट द क्वालिटी एजुकेशन घर बैठे यू नीड नॉट टू मूव एनी वेयर है इन द कंफर्ट ऑफ योर होम यू कैन गेट द बेस्ट ऑफ द नॉलेज फॉर नीट एग्जामिनेशन कैसे लेनी होगी डाउनलोड करिएगा अन अकेडमी की लर्निंग एप डाउनलोड करने के बाद जाइएगा प्लस सेक्शन में प्लस में आएगा नीट यूजी नीट यूजी में क्लिक करना गेट सब्सक्रिप्शन वेन यू विल क्लिक ऑन गेट्स सब्सक्रिप्शन तो आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज आएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा देखो नीट की तैयारी एक महीने तीन महीने में नहीं होती है आपको पूरा टाइम चाहिए तो जो बच्चे क्लास इलेवेंथ में उनको जाना चाहिए इस टू ईयर कोर्स में फॉर क्लास इलेवेंथ जो बच्चे क्लास ट्वेल्थ के हैं दे शुड गो फॉर दिस वन ईयर कोर्स और सबसे कम अमाउंट में बच्चे आप देखोगे ना आपको मिलेगी इसी कोर्सेज में जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाएंगे द अमाउंट इज गोइंग टू इंक्रीज एंड कंपेयर दिस अमाउंट विद द ऑफलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल आप देख पाएंगे कि कितना ड्रास्टिक डिफरेंस है यहां पर आपको क्वालिटी टीचर्स मिलते हैं आप घर बैठे उनसे पढ़ सकते हैं एंड एट दिस रीजनेबल कॉस्ट ये कॉस्ट पता है थोड़ी और भी कम हो सकती है कैसे यूजिंग दिस कोड सी प्लाइव अगर आप ये कोड यूज करेंगे ना देन यू कैन गेट एक्स्ट्रा टेन परसेंट ऑफ एडिशनल ऑफ मिलेगा टेन परसेंट ऑफ यूजिंग द कोड सी प्लाइव टोटल अमाउंट पे दिस इज अ काइंड ऑफ गिफ्ट फॉर यू है ना और ये अमाउंट हो सकता है नेक्स्ट मंथ इंक्रीज हो जाए सो मेक श्योर इफ यू आर सीरियस अबाउट नीट देन यू टेक द सब्सक्रिप्शन राइट अवे इंजीनियरिंग वाले बच्चों यू हैव टू गो टू दिस अन अकेडमी जेई एंड फॉर क्लास नाइन्थ एंड टेंथ एन टी एस सी प्रपरेशन एन एस ओ वी हैव अनदर चैनल दैट इज़ अन अकेडमी नाइन्थ एंड टेंथ और बच्चे जो स्पोर्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ के लिए उसके लिए सेपरेट चैनल है आज का सेशन अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक कर देना एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑन योर नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन बच्चे कोड मैम का याद रखिएगा सीप लाइफ अब मैं आपसे मिलूंगी शाम को विद द डीपीपी ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस फाइव ओ क्लॉक एंड टुमारो मॉर्निंग आप टॉपिक जानते हैं दैट इज गोइंग टू बी एवोल्यूशन एज वेल एज डाइजेस्टिव सिस्टम